वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करने के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम जो है लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, और अगर उनका नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। टाइमलेस रीडिंग है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, हर किसी के लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो जरूर होगा। सो शुरू करते हैं रीडिंग ऑप्शन नंबर वन के साथ। नमस्ते ग्रुप नंबर वन, अगर आपके पार्टनर का नाम जो है लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं, आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं, आपके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है वो हम देखेंगे। राइट, मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है अभी इस समय पे और फेमिनिन की क्या एनर्जी है। ग्रुप नंबर वन के लिए पहला कार्ड आया है नंबर टू का, रिफ्यूजिंग टू सी। देन यू हैव नंबर 14, बैलेंस। सोलमेट्स हैं, कोई है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स नंबर 4, थर्ड आई चक्रा नंबर 6 एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स नंबर 1। ओके, बैक ऑफ द डेक इज बिलीव एंड सक्सीड नंबर 6। नंबर 6 दो बार है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 पहले बात कर लेते हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है। ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या इनके सामने कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी सच्चाई है जिसको जिसे जानते हुए भी ये अनजान है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ये समझना नहीं चाहते हैं किसी चीज को। तो अभी बहुत ज्यादा ओपन आप नहीं हो रहे हैं। राइट, अगर आप नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो तो अभी जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनकी तरफ से कुछ एक्शन जो है वो बहुत जल्दी शायद आपको देखने को ना मिले। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स का कार्ड है यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ में, दैट मींस कहीं ना कहीं से जो है वो इनको पुश मिल रहा है, या कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो अब आप लोगों के बीच में आने वाली है मैस्कुलिन की तरफ से, विच विल हेल्प क्रिएट द बैलेंस ऑल ओवर अगेन, जिस सिचुएशन की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दोबारा से बैलेंस बनेगा। जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं अपनी, उनकी एनर्जीज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे दिख रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं उनको पूरा विश्वास है कि उनका ये जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ में, इसकी जो शुरुआत है या जो बेस है आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो भले ही कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ वो बेस नहीं हिलने वाला है। राइट, और दूसरा क्योंकि थर्ड आई चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है एंड रिफ्यूजिंग टू सी है, दैट मींस जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज है, दैट मींस मेंटल क्लैरिटी नहीं है उनको, उनकी जो भी माइंड में जो है काफी सारे थॉट्स या काफी सारी कंफ्यूजन हो सकती है। नंबर 2 के साथ में है तो हो सकता है कि काफी सारे ऑप्शंस उनके साथ सामने हो इस टाइम पे, और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी इंट्यूटिव पावर्स जो है वो काफी ज्यादा ब्लॉक हुई हुई है, कम हुई हुई है, तो इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो और आपके माइंड में इस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके मन में, ठीक है, कोई भी सही रास्ता आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, दैट मींस इस समय पे आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो। एंड डेफिनेटली आप जो हो थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हो। थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप रिसर्च करके उस पर काम कर सकते हो, सो दैट यू नो इसका डायरेक्ट जो लिंक है आपके पार्टनर के साथ में है कहीं ना कहीं, ठीक है। यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के जो करंट इमोशंस हैं इस समय पे क्या हैं। ओके, 3 कार्ड यहां पे आ गए हैं। पहला है गोइंग विद द फ्लो, साइलेंस, यहां पर भी मून है। देन यू हैव पेशेंस नंबर 7, अगेन मून नंबर 7, प्रोजेक्शंस एंड रिसेप्टिविटी। राइट, आई बिलीव
आप में से काफी लोग हैं जिनके पार्टनर्स इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जीज में हैं, ठीक है। शायद आपके मन में इस टाइम पे ज्यादा डाउट है, उनके मन में ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। प्रॉबेबली वो फेमिनिन एनर्जीज में हैं अपनी, और उनको पता है कि आप लोगों की सिचुएशन को अभी तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अभी चुप है, अभी जो चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है। अपने मन में ये इंसान जो है आपसे बातें करते हैं या विजुअलाइज करते हैं कि आप उनके सामने हो और आपसे वो क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं आपको। बेसिकली ये इंसान जो है ही और शी दे आर ओपनिंग अप, ठीक है, रिसीव करने के लिए आगे जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ये इंसान जो है कम्प्लीटली रेडी है। इनको इतना अंदर से पता है कि आप लोगों की जर्नी में थोड़ा सा वक्त शायद लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने के लिए, या प्रॉपरली रिलेशनशिप जब आपका ग्रो करेगा उसमें थोड़ा सा टाइम शायद लगेगा। हो सकता है यू नो बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हर किसी की कुछ अलग सिचुएशन या कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस से आप लोग गुजर रहे होंगे, तो हर किसी की जर्नी अलग है, राइट। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव जो मैसेज आता है वो कई बार जो है काफी सारे लोगों को गाइड कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं उनको पता है कि अभी जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने देते हैं, अभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखना है, मैं अभी अपने माइंड में सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ कि मुझे जब आप मिलोगे या जब ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, जब ये टाइम पास हो जाएगा तब उस टाइम पे मैं क्या बातें करूंगा या क्या बातें करूंगी, क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगा या करूंगी, ठीक है। लेट्स सी, हमजा ओरेकल से देख लेते हैं इनके रीसेंट थॉट्स आपके बारे में क्या है। ग्रुप नंबर वन, ओके, वो समय ही ठीक नहीं था। देन यू हैव काश ऐसा ना हुआ होता, रिग्रेट। एंड एक कार्ड यहाँ पे जो है वो है, मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो या आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ पुराना नेगेटिव आप लोगों के बीच में हुआ है तो उस चीज का रिग्रेट है। कुछ इनके मोटिव्स या कुछ इन्होंने शायद अपने बारे में ही सोचकर कोई डिसीजन या कोई एक्शन लिया है, उस चीज के बारे में भी ये जानते हैं, तो वो भी एक रिग्रेट यहाँ पे है इनके मन में। और प्रॉबेबली इनके लिए सिचुएशन कुछ ऐसी रही है कि शायद इनके पास और कोई ऑप्शन ना बचा हो, ठीक है। आपने मेरा बहुत साथ दिया, सो Whenever you have supported them, जब भी आपने उनको सपोर्ट किया है पास्ट में, किसी भी चीज के लिए एनकरेज किया है, मेंटल सपोर्ट जब भी आपने उनको प्रोवाइड किया है या किसी भी तरीके का सपोर्ट कभी अगर आपने उनको प्रोवाइड किया है, तो वो एक टाइम जो है वो याद करते हैं और आपके लिए थैंकफुल फील करते हैं। यह थैंकफुलनेस उनके मन में एक ऐसा एक ये पॉजिटिव फीलिंग जो है वो आपके टूवर्ड्स आई है, ठीक है। और जो कुछ उन्होंने किया है गलत सेल्फिश होकर, उस चीज के बारे में भी जानते हैं। टैरो से भी देख लेते हैं, ग्रुप नंबर वन, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग। एक तो रिकंसिलिएशन से जुड़ा ये मैसेज मुझे लगता है उन लोगों के लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है। यस, रिकंसिलिएशन की बात करी है, एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर्मिट, रिग्रेट। मैंने आपसे कहा था कि इनके मन में काफी ज्यादा रिग्रेट है, जो कुछ भी एक्शंस इन्होंने लिए हैं पास्ट में जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसका एक बुरा असर पड़ा है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर, उसके बारे में सोच के इनको गिल्ट फील होता है। स्ट्रेंथ, दोबारा से दिस इज लाइक यू हैव टू कीप पेशेंस, जब यूनिवर्स और द हायर पावर इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो पेशेंस का कार्ड, पेशेंस का मैसेज जो है इनका यहाँ पे भी आया था, पहले भी आया था, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड इनका आया था, तो ये अभी वेट कर रहे हैं या इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है
शायद किसी सही टाइम के आने का इंतजार कर रहे हैं कुछ नेक्स्ट कुछ एक्शन लेने के लिए, राइट. एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स प्रॉबेबली काफी सारे लोग हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या आपके पार्टनर को कुछ अपनी ही कुछ बातें जो है वो इनसे कहने की या मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो जबरदस्ती इनके ऊपर यू नो थोपी जा रही हैं, ये वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं. कई सारे लोग शायद इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, या अलग अलग लोग इनको अलग अलग एडवाइसेस दे रहे हैं, बट ये वो इंसान है जो सबकी सुनते हैं, बट एंड में ये वही करेंगे जो कि इन्हें सही लगता है. ठीक है, तो लियो, लियो राशि, और ये आपकी है टॉरस राशि, वर्गो राशि, ये राशियां यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है, राइट. और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है. आई विल स्टिल टेक टू मोर कार्ड्स फॉर यू, दो कार्ड्स मैं आपके लिए और निकालूंगी यहाँ पे. बुक नंबर वन, यस, थ्री ऑफ कप्स. प्रॉबेबली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपकी सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है कई लोगों के लिए शायद फैमिली का है, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दोबारा से थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं. कुछ ये सिमिलर एनर्जी जो थी आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी आई थी, रिफ्यूजिंग टू सी था, एंड थर्ड आई चक्रा, ठीक है, एंड दैट वाज नंबर टू विद थर्ड आई चक्रा. तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा इनका जो है डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक है. अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है, आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, तो इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, राइट. और उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है किसी तीसरे पर्सन की इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में, या कोई ऐसी, जरूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान ही हो, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है काम, फैमिली या हेल्थ से जुड़ी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी इनके माइंड में शायद नहीं आ पा रही है. इंटेंशंस क्लियर है, इंटेंशन शायद आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की है, या रिकंसिलिएशन करने की इंटेंशन है. किसी चीज का गिल्ट है, पता है कि चीजें ठीक होने में अभी टाइम लगेगा. उधर से कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार इनके मेंटल पीस को जो है डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है मेंटली, तो वो चीज मैं यहाँ पे अभी देख पा रही हूँ. बट यस, एक टेम्परेरी फेज है गाइज, ये कुछ दिन तक ही रहेगा. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये सिचुएशन नहीं चलेगी. आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ चेंज, एक चेंज जरूर आएगा, ठीक है. और बैक ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड. दैट मीन्स फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट शायद अभी दिखा नहीं रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, राइट. ग्रुप नंबर वन, दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज. ये रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए कुछ भी मैं पॉजिटिव मैसेज आपको दे पाई हूँ, किसी तरीके की गाइडेंस अगर आपको मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टैरो बाय टीजे. एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू नाउ. नमस्ते ग्रुप नंबर टू. अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस टाइम पर क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की राइट नाउ, एंड व्हाट इज द एनर्जी फॉर द फेमिनिन. आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. गिविंग एंड रिसीविंग नंबर सिक्स, नंबर 17 हील, सीक द ट्रूथ नंबर 7, डार्केस्ट फियर्स नंबर 9, एंड अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स नंबर 4. ओके, बैक ऑफ द डेक वी हैव हार्ट चक्र नंबर 4, दोबारा से, ठीक है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है इन जनरल. ये इंसान जो है, इनके कुछ पुराने डर हैं जो अब खत्म हो रहे हैं,
कुछ ऐसी चीजें थी जो इन्होंने सोची भी नहीं थी वो लाइफ में हो गई, और अब फाइनली जो है इनके मन में जो भी डर था, जो भी फियर्स थे, वो सब हील हो गए हैं, वो सब निकल गए हैं, या ये प्रोसेस जो है इस टाइम पर चल रहा है। ओवरऑल आप दोनों ही जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है यूनियन एक तरीके से, जो कि आप लोगों का होगा, बट इसमें किसी और की हेल्प की जरूरत शायद आप लोगों को पड़ सकती है, एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं और यूनियन चाहते हैं जल्द से जल्द, तो किसी का सपोर्ट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, या अपने आप ही किसी का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जो फेमिनिन एनर्जीज में है उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेट सा ये ऐसा मैसेज है जो उस करंट सिचुएशन भी बता रहा है और एक तरीके से गाइडिंग मैसेज भी दे रहा है। जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, सीक द ट्रूथ नंबर 7, कुछ ऐसी बात है जो कि आपके सामने, कोई सच्चाई है जो आपके सामने इस वक्त में आ रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद से अब आप देखना शुरू कर रहे हो। कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको कि आप पहले नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब आप में इतना करेज आ गया है कि यू हैव फाइनली टेकन अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है और खुद से आप अपनी लाइफ में यू नो क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। शायद जो फेमिनिन एनर्जीज में है उनकी लाइफ में शायद कोई दो बहुत बड़े ऑप्शंस थे, या कुछ ऐसी कंफ्यूजन थी, कोई मेजर कंफ्यूजन थी, उसको लेकर के एक यू नो एक क्लैरिटी जो है वो फेमिनिन को मिलने वाली है या एट प्रेजेंट मिल रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के करंट इमोशंस इस टाइम पर क्या है। गाइज, जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी कल मैंने वीडियो पोस्ट किया है करंट फीलिंग्स को लेके, तो अगर आप स्पेसिफिकली मैरिड हो और अपने लिए ही जानना चाहते हो तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं? प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेड एनर्जी, किसी चीज को शायद एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मोरालिटी, इनको अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज जो है वो बहुत अच्छे से पता है। पास्ट लाइव्स का कार्ड आया है और यहाँ पे जो नंबर है दैट इज नंबर 18 जो है वो शायद डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों में से किसी का, या एक स्पेशल ऐसी डेट हो सकती है जिस पर कि आप लोग मिले होंगे। मैरिड हो तो हो सकता है कि आप लोगों की शादी या एंगेजमेंट 18 तारीख को हुई हो। देन यू हैव थंडरबोल्ट नंबर 16, एक सडन चेंज जो है ये फील कर रहे हैं आप लोगों की पास्ट के बारे में। इन्होंने सोचा है जो कुछ भी टाइम, जो कुछ भी अच्छा बुरा समय, जो भी आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, उस मोमेंट के बारे में, उन मेमोरीज के बारे में इन्होंने रिसेंटली सोचा है, और उन मेमोरीज को याद करके इनके अंदर एक अलग तरीके की फीलिंग जो है वो इमर्ज हुई है। कॉन्शियसनेस इज हियर, ठीक है, यूनिवर्स से शायद कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉबेबली कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके अंदर जो है एक तरीके की एक्सेप्टेंस आ रही है किसी चीज को लेके, जो कि एक ट्रू हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है इनके माइंड में, इनकी लाइफ में। बैक ऑफ द डेक नंबर 7, पेशेंस, तो पेशेंस भी है इनके अंदर, ये अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ पुराना याद करके इनकी फीलिंग्स जो है आपके टूवर्ड्स, आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स ट्रिगर हुई हैं। काफी सारे लोगों का जो कनेक्शन है ये कार्मिक कनेक्शन है, शायद ग्रुप नंबर 2 में काफी सारे लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है दैट मींस। ओके, हमजा ओरेकल से भी चेक कर लेते हैं कि इनके जो रीसेंट थॉट्स रहे हैं आपके टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2, किस तरीके के थॉट्स हैं, किस तरीके की बातें हैं जो इनके मन में आई हैं जब भी इन्होंने रिसेंटली आपके बारे में सोचा है। ओवरथिंकिंग के लोग क्या कहेंगे, तो पहला कार्ड जो आपका आया था गिविंग एंड रिसीविंग, आई बिलीव आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसको कि टैकल करने के लिए शायद फ्रेंड्स और फैमिली या किसी काउंसलर, किसी थेरेपिस्ट की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, बट शायद ये इतने ज्यादा श्योर नहीं है ओपन अप होके किसी थर्ड पर्सन से आप लोगों के बारे में डिस्कस करने के लिए। एक डाउट है या एक फियर है इनके मन में कि लोग जो है वो कमेंट्स पास करेंगे या जज करेंगे। आई वॉन्ट टू सी यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जो लोग, ठीक है, या मिले नहीं हो, अगर आप बहुत टाइम हो गया है इन पर्सन नहीं मिल पाए हो, तो ये आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं। आई डोंट नो इफ यू स्टिल लव मी, एक कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, ठीक है।
या आपकी तरफ से एक इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं है, या आप लोगों के बीच में जो एक केमिस्ट्री है वो कहीं फेड आउट तो नहीं हो रही है, वन पर्सन इज ओवर डूइंग, या तो ये है खुद है आपके पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, या आप उतना एफर्ट नहीं पुट कर रहे हो, और या फिर आप हो जो बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करते हो इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एंड आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स वो नहीं लगा पाते हैं, तो इस चीज का अंदाजा, इस चीज की रियलाइजेशन बेसिकली उन्हें है। आप मुझे काफी समय से जानते हो, पास्ट लाइफ्स का कार्ड जो आपका आया है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी लोग हैं जिनका एक ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है एंड काफी अच्छा खासा टाइम शायद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट में है जो लोग, ठीक है, हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है, मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को, आई बिलीव इन पर्सन ये इंसान मिस कर रहे हैं प्रॉबेबली। आप लोगों की बातचीत अगर होती है, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन पर्सन आपको देखना चाहते हैं और आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स शायद इनकी तरफ से थी जो कि अब क्लियर हो रही हैं, कुछ पुराने इश्यूज थे जिनको कि ये हील कर रहे हैं या कर चुके हैं एंड नाउ ये आपसे बात करना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। ऑफकोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए कुछ चीजें हैं जो ये डिस्कस करना चाहते हैं, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट शायद ये नहीं चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या बहुत सारे लोगों को, अगर आपके बीच में कोई इशू है तो काफी सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं इस चीज में, राइट। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बैक ऑफ द डेक, प्रॉबेबली आप लोग जो हो साथ में काम कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि काफी एक जो यहाँ पे कार्ड आया था कि आप मुझे काफी समय से जानते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, प्रॉबेबली आप साथ में पढ़ चुके हो, कॉलेज जा चुके हो साथ में या काम कर चुके हो साथ में, ठीक है, वो पुराना टाइम जो था वो इनको अभी रिसेंटली याद आया है। ग्रुप नंबर टू, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। हर्मिट, वर्गो, आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, एक ये सितंबर का मंथ भी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, मैस्कुलिन की जो एनर्जीज हैं वो ग्रुप नंबर वन में भी और ग्रुप नंबर टू में भी काफी हद तक मैच कर रही थी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दो एसेज आए हैं गाइज इनकी करंट एनर्जीज को लेके, और बैक ऑफ द डेक आपका आया है टावर का, ठीक है, दिस इज स्कॉर्पियो। सो ये तो राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बैक ऑफ द डेक है। प्रॉबेबली आप में से कई लोग हैं जिनका शायद अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, या किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, शायद फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, राइट। आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे कई सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, उनके काम से जुड़ी, उनकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी, उनकी बेसिकली उनकी लाइफ से जुड़े कई सारे इश्यूज जो हैं वो इनके सामने आ रहे हैं, बट इनको फेथ है कि समडे इन सब इश्यूज को मैं डील कर पाऊंगा और या कर पाऊंगी, ठीक है, और इनसे निकल के मेरी लाइफ में एक नई बिगनिंग जो है वो जरूर आएगी, एक स्टेबिलिटी जो अभी मुझे फील नहीं हो रही है या अभी मुझे नहीं दिख रही है, वो स्टेबिलिटी जो है मेरी लाइफ में वापस से लौट के आएगी, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ नया ऑफर जो है वो इनकी तरफ आ रहा है। एक तो मैं देख रही हूँ कि अगर ये पैसे को लेके परेशान चल रहे थे तो इनके लिए शायद कोई नई जॉब या मनी से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आने वाली है, जिसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद इनकी लाइफ में जो है वो बहुत ही सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली अगर ये फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे या फिर अपने जॉब को लेके किसी इशू से गुजर रहे थे, तो अभी एक नया ऑफर जो है वो इनकी लाइफ में आने वाला है। इस सिचुएशन को स्पेशली जो इनके काम से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा जो आ रहा है, इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज होने में या हील होने में साल भर का टाइम शायद लगेगा,
बट उसके बाद जो है वो एक नई जर्नी इनकी प्रोफेशनली शुरू होने वाली है। पर्सनली भी सेम सेम चीज मैं देख रही हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो है चेंजेस जो है वो थोड़े जल्दी आने वाले हैं। उसमें साल भर का टाइम शायद नहीं लगेगा, इनके पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 7 वीक्स के अंदर, 7 वीक्स के बाद में या 7 वीक्स खत्म हो जाने के बाद में इतने कुछ टाइम में जो है वो चेंजेस आने वाले हैं। और अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो, जून के महीने में देख रहे हो, तो इनके कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर के पर्सनल लाइफ में इमोशंस में जो है चेंजेस आने वाले हैं जुलाई में, ठीक है। एक तो मेजर चेंजेस जो है वो आपको 22 जून के बाद में भी नजर आएंगे, ओके। ग्रुप नंबर 2, गाइस दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं रीडिंग के लिए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी बैक वेरी सून, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।